हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है परवर्तीय दूरदर्शी। तो परवर्तीय दूरदर्शी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं 5 अंक में ये पूछा जाता है, तो 5 नंबर वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने बता ही दिया है कि बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। तो आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सिंपल से यहाँ पे हमने सबसे पहले हमें जानना है कि परवर्तीय दूरदर्शी होता क्या है। चलिए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परवर्तीय दूरदर्शी कहते किसे हैं, और क्यों इसको परवर्तीय दूरदर्शी हम कहते हैं, ये भी हमें समझना होगा। तो देखिए, यहाँ पे ये बातें आपको समझनी होगी। इसको कोई भी मतलब ये तरीका नहीं है कि मैं आपको मतलब अदरवाइज फिगर से समझा सकूं। इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा दूरदर्शी जिसकी सहायता से, देखिए दूरदर्शी का ही तो ये प्रकार है ना, एक होता है खगोलीय दूरदर्शी या आकाशीय दूरदर्शी या अपवर्तीय दूरदर्शी, तीनों का नाम एक ही है, ठीक है ना। तो एक होता है खगोलीय दूरदर्शी, एक होता है परवर्तीय दूरदर्शी, यही तो होते हैं ना। तो पहले हम दूरदर्शी का ये प्रकार है, तो हम कहेंगे ऐसा दूरदर्शी जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, मतलब दूर कोई वस्तु स्थित है, बहुत ही दूर स्थित वस्तु है, तो उसकी चमकीला प्रतिबिंब, चमकीला मतलब स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर, पहले हम अभिदृश्यक लेंस लगाते हैं, ठीक है ना। आकाशीय दूरदर्शी आप देखेंगे तो वहां पे अभिदृश्यक हमने लेंस लगाया है, खगोलीय दूरदर्शी में भी। तो इसमें क्या है, अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़े आकार का अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब अभिदृश्यक लेंस अब नहीं लगाएंगे, वहां पे बड़े आकार का अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और इसलिए इसे परवर्तीय या हम कह सकते हैं परवर्तक या परवर्तीय दूरदर्शी कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि परवर्तीय दूरदर्शी मतलब ऐसा दूरदर्शी, यहाँ पे ध्यान से आप समझेंगे, ऐसा दूरदर्शी जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, बहुत दूर स्थित वस्तु होता है उसका स्पष्ट प्रतिबिंब या चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, पहले हम अभिदृश्यक लेंस लगाते थे, पर अब हम अभिदृश्यक लेंस ना लगाकर अभिदृश्यक लेंस हम लगाते थे, तो इसमें हम क्या करेंगे, अभिदृश्यक लेंस इसमें नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, बड़े आकार का अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इसलिए इसे हम परवर्तीय दूरदर्शी कहते हैं या परवर्तक दूरदर्शी कहते हैं। मतलब ये बातें समझ में आया कि ऐसा दूरदर्शी जिसमें बहुत दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए या हम कह सकते हैं चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़े आकार का अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसे हम परवर्तीय दूरदर्शी कहते हैं। क्यों परवर्तीय दूरदर्शी, क्योंकि लेंस में अपवर्तन की घटना होती है और दर्पण में परावर्तन की घटना होता है, इसलिए परवर्तीय दूरदर्शी कहा गया है। समझ में आ रहा है ना। तो ये बातें हैं, थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा डीप में, या मैं कहूँगा सिंपल सा कि खगोलीय दूरदर्शी पढ़ के उसके बाद ये टॉपिक पढ़ेंगे, समझ में आपको बेहतर तरीके से ये परिभाषा आएगी। क्योंकि खगोलीय दूरदर्शी में हमने अभिदृश्यक लेंस का प्रयोग किया है, बट इसमें सिंपल सा बस यही है चेंज कि इसमें अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर हमें अवतल लेंस का प्रयोग कर देना है, ठीक है ना। तो एक बार और मैं परिभाषा यहाँ से बोल रहा हूँ, आप इसको कहिएगा, यही बोलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप परिभाषा रटें, बल्कि समझ कर याद करें। आप कहेंगे क्या, सुनिए, आप कहेंगे ऐसा दूरदर्शी जिसमें बहुत दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु,
अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़े आकार का अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तीय दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है ना, यही आप परिभाषा जो हमने बोला वही लिख देंगे, 100% सही होंगे, या आप ये भी लिख देंगे, ये भी 100% सही है जी, बात समझ गए ना। तो देखिए, आपको परिभाषा में बताना होता है कि वास्तव में क्या है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे, इसका सिद्धांत जानेंगे, प्रतिबिंब का बनना देखेंगे, रेखा चित्र जानेंगे, आवर्धन क्षमता जानेंगे, तब ना भैया हमें 5 अंक मिलेंगे, 5 अंक ऐसे ही थोड़ी ना मिलेंगे। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे, ठीक है, मैं देख लूँ वीडियो बन रहा है ना, ठीक चलिए। अब देखिए, अब हम जानेंगे इसका सबसे पहले सिद्धांत या प्रतिबिंब का बनना, उसके बाद रेखा चित्र पर हम डिस्कस करेंगे जी। चलिए, सिद्धांत या प्रतिबिंब का बनना, तो यहाँ पे हमने सिद्धांत या प्रतिबिंब का बनना यहाँ पे लिख दिया है, सब आपको समझ में आएगा, ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें अधिक फोकस दूरी दूरी व बड़ा द्वारा का अवतल दर्पण M1 एक चौड़ी नली के सिरे पर लगा रहता है, ठीक है ना। इस नली के पास में लगी एक छोटी पतली नली में कम फोकस दूरी व छोटा द्वारा का उत्तल लेंस ई लगा रहता है, और जो नेत्रिका का कार्य करता है। चौड़ी नली में उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस होता है जिससे प्रकाश किरण परावर्तित होकर नेत्रिका लेंस पर प्रतिबिंब बनाते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, या तो सिद्धांत कहे या प्रतिबिंब का बनना, यह आपको लिखना होगा। मेरा ये काम है कि आपको ये रटना ना पड़े, बट कि फिगर समझकर आप इसको बोल दें, ठीक है ना। वैसे हम आपको अब समझाने जा रहे हैं। देखिए, आपको सबसे पहले ये भी लिखना है, उसके बाद रेखा चित्र में भी आपको ये बनाना है फिगर। तो आप समझिए, यहाँ पे मैं आपको इस फिगर को अभी आप भूल जाइए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँ, तो जो क्या होता है, परावर्तीय दूरदर्शी होता है, इसमें एक बड़ी सी खोखले, मतलब बड़ी सी क्या होती है, एक नली होती है, बड़ी और चौड़ी क्या होती है, नली होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक हम अवतल दर्पण लगाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है भैया, ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये अवतल दर्पण है, और इसे हम क्या M1 से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, इतना मैं पहली बात बता दूं, यहाँ पे लगा जो भी है अभी मैं आपको बताऊंगा। कह रहा है इसमें अधिक फोकस दूरी व बड़ा द्वारक का अवतल लेंस, मतलब ये जो अवतल लेंस है वो कौन सा है, तो अधिक फोकस दूरी वाला है, और इसका द्वारक जो है वो बड़ा है। इसकी मतलब ये जो अवतल लेंस है, इसकी कुछ हम कह सकते हैं गुण है कि क्या है, अधिक फोकस दूरी वाला होगा और बड़ा द्वारक होगा। तो वही बात कहा जा रहा है कि इसमें अधिक फोकस दूरी वो बड़ा द्वारक का अवतल दर्पण M1 एक चौड़ी नली के सिरे पर लगा रहता है। एक जो चौड़ी नली है उसके सिरे पर लगा रहता है, ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पे ये चौड़ी नली का जो सिरा है उस पर लगा रहेगा, बट यहाँ पे एक और चीज आपको समझना है, देखिए ये जो बात कहा जा रहा है ना, ये एक बार और सुन लीजिए, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे बताने में। देखिए, यहाँ पे कह रहा है अधिक फोकस दूरी व बड़ा द्वारक का अवतल दर्पण M1 एक चौड़ी नली के सिरे पर लगा होता है। ये एक चौड़ी नली है और इसी के सिरे पर क्या लगा रहता है, इसी के सिरे पर, ये जो सिरा आपको दिखाई दे रहा है, इसी के सिरे पर क्या लगा रहता है, एक अवतल दर्पण इस प्रकार लगा रहता है, इसी प्रकार, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार, ये अवतल दर्पण है, यही बात कहा जा रहा है, ध्यान से समझेंगे। एक जो चौड़ी ये नली है, इसके सिरों पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अवतल दर्पण है, और इसकी खासियत ये है कि अधिक फोकस दूरी वाला है और बड़ा द्वारक है। तो अब ध्यान से समझेंगे, कह रहा है कि अधिक फोकस दूरी व बड़ा द्वारक का अवतल दर्पण M1 एक चौड़ी नली के सिरे पर लगा होता है, एक चौड़ी नली के सिरे पर लगा होता है, और कैसा दर्पण है ये, तो अधिक फोकस दूरी वाला और बड़ा द्वारक है,
बात समझ रहे हैं ना, अधिक फोकस दूरी वाला और बड़ा द्वारक का एक अवतल दर्पण चौड़ी नली के सिरों पर लगा होता है। यही बात हमने कहा ना, इतना समझ के। उसके बाद कह रहा है कि इस नली के पार्श्व में लगी एक छोटी पतली नली कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक के उत्तल लेंस ई लगा रहता है। मतलब यहाँ पे समझेंगे, कह रहा है कि इस नली के पार्श्व में लगी, इस नली के पार्श्व मतलब इस नली के पास ही में, ठीक है, लगी एक छोटी पतली नली, एक ये छोटी पतली नली आपको दिखाई दे रहा है, इस नली के पास में एक छोटी पतली जो नली है, ठीक है ना, कम फोकस दूरी व छोटा द्वारक का उत्तल लेंस लगा रहता है। मतलब इसमें कम फोकस दूरी वाला एक इसमें उत्तल लेंस इस प्रकार लगा रहेगा, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसे इसको फिगर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार इसमें क्या लगा रहा होगा, दर्पण इस तरीके से कम फोकस दूरी वाला लगा होगा। यही निकाला जा रहा है कि इस नली के पार्श्व में, मतलब इस नली के, ये चौड़ी नली है, इसके पार्श्व में लगी एक छोटी पतली सी नली है, ठीक है ना, और उसमें नली में कम फोकस दूरी व छोटा द्वारक का उत्तल लेंस लगा होगा। कम फोकस दूरी वाला एक छोटा द्वारक का उत्तल लेंस लगा रहता है। ये क्या है, उत्तल लेंस है। ये क्या है जी भैया, ये है उत्तल लेंस। मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये है उत्तल लेंस, और ये क्या है, अवतल दर्पण, ठीक है। इतनी बात समझ के फिर से ध्यान से समझेंगे। अब उसके बाद लगा रहता है जो नेत्रिका का कार्य करता है, जो ये है, ये नेत्रिका का कार्य करेगा, नेत्र का कार्य करेगा। मतलब ये जो नेत्रिका का कार्य करने का मतलब है, ये जो उत्तल लेंस है, ये नेत्रिका लेंस के भांति कार्य करेगा, ठीक है ना। अगला कह रहा है चौड़ी नली में एक उत्तल दर्पण होता है। ये जो चौड़ी नली आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक उत्तल दर्पण इस तरीके से होता है, ठीक है ना, जिससे प्रकाश किरणें परावर्तित होकर नेत्रिका लेंस पर प्रतिबिंब बनाती हैं। अब कैसे बनाएंगी उसको भी हम बता दे रहे हैं आपको। सबसे पहले प्रकाश किरणें इस तरीके से सीधे जाती हैं, और परावर्तन के बाद ऐसे आती हैं, फिर से इस तरीके से ये भी समांतर जाएंगी, परावर्तन के पश्चात ऐसे आती हैं, और जब परावर्तन के पश्चात यहाँ पे आएंगी, फिर से ये भी एक क्या है, उत्तल दर्पण ही है। तो यहाँ पे क्या रहा है ना, ये उत्तल जो दर्पण है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है, ध्यान समझेंगे, चौड़ी नली में उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, जिससे प्रकाश किरणें परावर्तित होकर, चौड़ी नली में एक उत्तल दर्पण होता है जिससे प्रकाश किरणें, ये जो प्रकाश किरणें हैं, तो प्रकाश किरणें परावर्तित होकर कहाँ पर, नेत्रिका लेंस पर इस प्रकार प्रतिबिंब बनाएंगे। ये जो नेत्रिका लेंस है, यहाँ पे प्रतिबिंब बनाएंगे। तो वही बात कहा जा रहा है, जिससे प्रकाश किरणें परावर्तित होकर नेत्रिका लेंस पर प्रतिबिंब बनाती हैं। ये जो नेत्रिका लेंस है, यहाँ पे प्रतिबिंब बनाती हैं। तो बात आपको समझ में आ गया होगा, वही बात लिखा गया है। मैं आपको स्पष्ट रूप से एक बार बता दूं कि यहाँ पे कहा गया कि देखिए, अधिक फोकस दूरी व बड़ा द्वारक, ये जो लेंस लगा हुआ है, सॉरी दर्पण है, अवतल दर्पण, ये अधिक फोकस दूरी वाला है और क्या है, बड़ा द्वारक का है, मतलब बड़ा है। तो अधिक फोकस दूरी व बड़ा द्वारक का एक अवतल दर्पण M1 चौड़ी नली में, नली के सिरों पर लगा रहता है, ठीक है, जिसके पास एक पतली नली होती है, जिसमें हम कह सकते हैं, जिसमें एक छोटा मतलब कम फोकस दूरी व छोटा द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। फिर से लिखेंगे कि चौड़ी नली में एक उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिससे प्रकाश किरणें परावर्तित होकर नेत्रिका लेंस पर प्रतिबिंब बनाती हैं। तो इस फिगर को ही देखकर आप ये सब लिख सकते हैं, वही बात को केवल यहाँ पे बताया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगा कि अदरवाइज आपको थोड़ा सा ये ऐसे मुझे कर देना चाहिए था, जिससे आपको ये समझ में आए कि ये एक ही में है दोनों, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है ना, फिगर में भी आपको कंफ्यूज ना हो।
चलिए ठीक। देखिए ये लंबी चौड़ी नली है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ये अवतल दर्पण है। ये क्या है? ये नेत्रिका लेंस है, लेंस है जिसे हम उत्तल लेंस भी कह सकते हैं। मतलब उत्तल लेंस ही है परंतु नेत्रिका लेंस के भांति यहां पे व्यवहार कर रहा है। ये जो है ये उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। यहां पे आप इसको देखिए, प्रकाश किरणें ऐसे जाती हैं और इस प्रकार परावर्तित होती हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे जाकर नेत्रिका लेंस पर प्रतिबिंब बनाती हैं। मतलब फिगर हमने यहाँ पे टोटल समझा दिया है, ये फिगर भी बना दिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इतना लिखने के बाद ये फिगर बना लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सिंपल सी है, मैं नहीं चाहता रटना पड़े इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही फोकस कर दिया। अगला अंतिम जो हमारा आता है वो है आवर्धन क्षमता। देखिए आवर्धन क्षमता में हमें सिंपल सी बात हमें लिखना है कि चूंकि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे जी, चूंकि हम जानते हैं आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता का हम एक फॉर्मूला जाते हैं, एम इज़ टू बीटा बाई अल्फा। बताइए ये बात हम जानते हैं ना, तो सिंपल सी ये बात हम जानते हैं। अब इसमें आपको कुछ नहीं जानना है, इसके लिए जो दूरदर्शी जो सॉरी परावर्तीय दूरदर्शी होता है उसके लिए एक क्या दिया गया है, एक फॉर्मूला दिया गया है, उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला क्या है मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। देखिए वहाँ पे आवर्धन क्षमता एम इजकल टू एफ ओ बाई एफ ई होता है, ये वो फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये बात आपको बता देनी पड़ेगी, ये एफ ओ क्या है, ये है वस्तु, ये आप सिंपल वे में लिख देंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। और ये क्या है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ गए, एफ ओ क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। यहां पे उत्तल लेंस क्या है, सॉरी उत्तल ये जो दर्पण है इसकी फोकस दूरी, इसकी एफ ओ, इसके लिए हमने एफ ओ का प्रयोग किया है। और एफ ई किसके लिए, इसके लिए एफ ई का प्रयोग किया है, ठीक है ना। ये आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो एफ ओ मतलब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एफ ई मतलब नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। तो याद रखेंगे चूंकि आप ये बात लिख लेंगे, क्योंकि चूंकि चूंकि जो परावर्तक, मतलब आप लिखेंगे कि परावर्तीय दूरदर्शी के लिए, परावर्तीय दूरदर्शी के लिए आप लिखेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ ओ तथा नेत्रिका लेंस की, थोड़ा सा मैं फास्ट लिख रहा हूँ राइटिंग पे, थोड़ा सा आप अपना कवर कर लीजिएगा, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी एफ ई के अनुपात को, अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हमने किसके लिए बताया, परावर्तीय दूरदर्शी के लिए। तो इतना लिखने के बाद ये फॉर्मूला लिख लेंगे, आपका काम पूरी तरीके से कंप्लीट होता है जी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बात आप याद रखेंगे, जब भी हम परावर्तक दूरदर्शी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो एफ ओ होता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी, इसको हम माइनस में लेते हैं, ठीक है ना। तो इतना ये फॉर्मूला में आप याद रखेंगे।
अदरवाइज मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए पूरी तरीके से डिटेल में ये सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे तब जाकर आपको फुल नंबर मिलेंगे जी। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नोट्स के लिए कह रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नोट्स ले चुके हैं, तो दोनों के लिए एक एक खुशखबरी है। सबसे पहली बात, जो नोट्स नहीं लिए हुए मैं आपको बता दूं कि ओनली 99 रुपये में पूरी आपकी फिजिक्स का हम हैंड रिटन नोट्स मैंने खुद बनाया है तो वो आपको दिया जा रहा है, ठीक है, जिसमें चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे, फिर से 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहेंगे, फिर से केमिस्ट्री का लेते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी मिल जाएंगे, तो सब कुछ फिजिक्स का ओनली 99 में दिया जा रहा है, 14 चैप्टर हैं उस सभी का, ठीक है। तो यदि आप लेना चाहें तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और वहाँ से PDF नोट्स अपना ले लीजिए। मैं आपको बता दूँ हैंड रिटन नोट्स है, मैंने खुद बनाया है, आसानी से आपको सब समझ में आएगा, सिंपल लैंग्वेज से मैंने बनाया है। बोर्ड एग्जाम जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके मांग लीजिएगा, टीम हमारी आपको नोट्स दे देंगे, ठीक है। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ से अपने अच्छे से स्टडी कीजिए। तो मिलते हैं कल एक बेहतरीन टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।